हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओम कंप्यूटर एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। आज हम आपके लिए लाए हैं चैप्टर 8, जो कि आपका है डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशंस से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आप लोग क्लास में शुरू से अंत तक बने रहिएगा और आप लोग इस क्लास के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें और अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर बना सकें। आज की क्लास में आपको जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे, सभी क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, जो कि कई बार आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आपके एग्जाम का डेट आ चुका है, जो कि आपका है 19 नवंबर से 23 नवंबर तक आपके एग्जाम निर्धारित किए गए हैं और आपके जो एडमिट कार्ड हैं वो आपके 11 नवंबर तक आ जाएंगे। तो आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए हमारे चैनल से जुड़िए और इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें और अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर बना सकें। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग क्लास के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, एटीएम डेबिट कार्ड पर मुद्रित संख्याओं में कितने अंक होते हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो आपके एटीएम डेबिट कार्ड होते हैं उस पर कितने अंक छपे होते हैं। ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 15। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वह अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 16। आपके जो एटीएम डेबिट कार्ड होते हैं उस पर जो संख्याएं होती हैं वो आपकी 16 अंक की होती हैं। अब यहाँ एक क्वेश्चन और भी आपसे पूछ सकता है, एटीएम का पूर्ण रूप क्या होता है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। एटीएम का पूर्ण रूप आपको बताना है। तो एटीएम का पूर्ण रूप होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन ये आपके एटीएम का पूर्ण रूप होता है। अब यहाँ एक क्वेश्चन और भी पूछ सकता है, एटीएम में सीवीवी कितने डिजिट के होते हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए एटीएम कार्ड में सीवीवी नंबर कितने डिजिट के होते हैं। तो आप बताएंगे 3। आपके जो सीवीवी नंबर होते हैं 3 डिजिट के होते हैं। और सीवीवी का पूर्ण रूप क्या होता है ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए सीवीवी का पूर्ण रूप क्या है। तो आपके सीवीवी का पूर्ण रूप होता है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, ये आपके सीवीवी का पूर्ण रूप होता है। यहाँ एक क्वेश्चन और भी पूछ सकता है, आपके एटीएम पिन कितने डिजिट के होते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए जो आपके एटीएम पिन होते हैं वो आपके कितने डिजिट के होते हैं। तो आप बताएंगे 4 डिजिट। एटीएम पिन जो होता है आपका वो आपका 4 डिजिट का होता है। तो ये सभी क्वेश्चन आपके लिए जो कि आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। एक बार हम आपके क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं। आप क्वेश्चन में दिया एटीएम डेबिट कार्ड पर मुद्रित संख्याएं कितने अंक के होते हैं, तो आप बताएंगे 16 अंक के होते हैं। एटीएम का पूर्ण रूप पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे, ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। एटीएम में सीवीवी कितने डिजिट के होते हैं, तो आप बताएंगे 3। और सीवीवी का पूर्ण रूप पूछा जाएगा तो कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू होता है। और अगर आपके एग्जाम में आते हैं एटीएम पिन कितने डिजिट के होते हैं, तो आप बताएंगे 4 डिजिट के। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे, बैंक द्वारा ब्याज का भुगतान को किया जाता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि बैंक द्वारा जो ब्याज होते हैं उसका भुगतान को किया जाता है। ऑप्शन ए ट्रांजेक्शन, ऑप्शन बी विड्रॉल, ऑप्शन सी लोन्स, ऑप्शन डी डिपॉजिट। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वह अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डिपॉजिट्स। जब आप बैंक में पैसा जमा करते हैं तो उस पर आपको बैंक ब्याज देती है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर, IMEI का पूर्ण रूप क्या है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है IMEI का पूर्ण रूप आपको बताना है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वह अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, ये आपके IMEI का पूर्ण रूप होता है। अब यहाँ एक क्वेश्चन और भी आपसे पूछ सकता है, IMEI नंबर देखने के लिए हम क्या डायल करते हैं।
तो आप लोग बताइए, अगर आप अपने फोन का IMEI नंबर देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या डायल करेंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आप बताएंगे स्टार हैज 06 हैज। इसको डायल करके आप अपने फोन का IMEI नंबर पता कर सकते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन और भी आपसे पूछ सकता है, IMEI नंबर कितने डिजिट के होते हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए आपके फोन का जो IMEI नंबर होता है वह कितने डिजिट का होता है। तो आप बताएंगे 15। आपके जो IMEI नंबर होते हैं वो आपके 15 डिजिट के होते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। QR कोड का प्रयोग पहली बार कब किया गया था, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि QR कोड जो है उसका प्रयोग पहली बार कब हुआ था। ऑप्शन है 1990, ऑप्शन बी 1994, ऑप्शन सी 1996, ऑप्शन डी 1991। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए, जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वह अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1994। अब यहाँ आपसे एक क्वेश्चन और भी पूछ सकता है, QR का पूर्ण रूप क्या होता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए QR का पूर्ण रूप क्या है। जिसको भी पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो आपके QR का पूर्ण रूप होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड, ये आपके QR का पूर्ण रूप होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड। अब यहाँ क्वेश्चन और भी पूछ सकता है, QR कोड का प्रयोग सबसे पहले किस कंपनी द्वारा किया गया था, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए QR कोड का प्रयोग सबसे पहले कौन सी कंपनी की थी। तो आप बताएंगे डेंसो वेब कंपनी द्वारा सबसे पहले QR कोड का प्रयोग किया गया था, और ये कंपनी कहाँ की थी, ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है, तो जापान। इसको भी आपको याद रखना है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। IFSC कोड में कितने अंक होते हैं, आपको बताना है कि आपके जो IFSC कोड होते हैं वो कितने डिजिट के होते हैं। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए, जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वह अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 11। 11 डिजिट के आपके IFSC कोड होते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन में पूछ सकता है आपका IFSC का पूर्ण रूप क्या होता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए IFSC का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका पूर्ण रूप होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, ये आपके IFSC का पूर्ण रूप पूछा जाता है एग्जाम में। तो आप बताएंगे इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है, और ये कितने डिजिट के होते हैं, 11 डिजिट के। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। MMID का पूरा नाम क्या है, आपको बताना है MMID का पूर्ण रूप क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए, जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वह अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। और आप लोग इस क्लास के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें और अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर बना सकें। आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, तो आप लोग क्लास में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज की क्लास में आपको जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोबाइल मनी आइडेंटिफायर, ये आपके MMID का पूर्ण रूप होता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। पॉकेट वॉलेट की शुरुआत किस बैंक द्वारा की गई थी, आपको बताना है पॉकेट वॉलेट की शुरुआत किस बैंक द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए HDFC, ऑप्शन बी PNB, ऑप्शन सी SBI, ऑप्शन डी ICICI। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए, जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वह अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ICICI बैंक द्वारा सबसे पहले पॉकेट वॉलेट की शुरुआत की गई थी। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। AEPS का पूरा नाम क्या है, आपको बताना है AEPS का पूर्ण रूप क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए, जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वह अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। और अभी तक आप हमारे चैनल
को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, ये आपके AEPS का पूर्ण रूप होता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे, क्या मोबाइल बैंकिंग से यह संभव है? आपको बताना है क्या आप मोबाइल बैंकिंग से यह संभव है। ऑप्शन ए बैलेंस इंक्वायरी, ऑप्शन बी फंड ट्रांसफर, ऑप्शन सी इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए, जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वह अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। आप मोबाइल बैंकिंग के द्वारा ये सभी चीज़ें कर सकते हैं, बैलेंस इंक्वायरी भी कर सकते हैं, फंड ट्रांसफर भी कर सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट भी कर सकते हैं। तो इसलिए आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे, आधार शेडिंग से क्या तात्पर्य है? आपको बताना है कि आधार शेडिंग से क्या तात्पर्य है। तो आपके नीचे चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए, जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वह अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आधार लिंकिंग विथ बैंक। इसका मतलब होता है आधार कार्ड को बैंक से लिंक करना। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे, व्यापारियों द्वारा अपने ग्राहकों की पुष्टि के लिए KYC कहा जाता है। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए, जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वह अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ट्रू। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे, प्रधानमंत्री मुद्रा बीमा योजना में व्यवसाय के लिए अधिकतम लोन की सीमा क्या है? आपको बताना है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत अगर आप कोई व्यवसाय करना चाहते हैं तो उसमें आपको अधिकतम लोन की सीमा कितनी है या क्या है। ऑप्शन ए 5 लाख, ऑप्शन बी 20 लाख, ऑप्शन सी 10 लाख, ऑप्शन डी 15 लाख। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए, जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वह अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 10 लाख। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे, भीम का पूरा नाम क्या है? आपको बताना है भीम का पूरा नाम क्या है। तो आपके नीचे चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए, जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वह अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत इंटरफेस फॉर मनी, ये आपके भीम का पूर्ण रूप होता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे, QR कोड में कितने नंबर स्टोर किए जा सकते हैं? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि आपके जो QR कोड होते हैं उसमें आप कितने नंबर स्टोर कर सकते हैं। तो आपके नीचे चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए, जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वह अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 7089। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे, बैंक द्वारा जारी किए गए OTP में कितने नंबर होते हैं? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि बैंक द्वारा जो OTP जारी किए जाते हैं उसमें आपके कितने नंबर होते हैं। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 8। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए, जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6। अब यहाँ आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है OTP का पूर्ण रूप क्या होता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए OTP का पूर्ण रूप क्या होता है। तो OTP का पूर्ण रूप होता है 1 टाइम पासवर्ड। ये आपके OTP का पूर्ण रूप होता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे, UPI का क्या मतलब है? आपको बताना है UPI का क्या पूर्ण रूप है या फिर UPI का क्या मतलब है, या क्वेश्चन में पूछ सकता है UPI का पूर्ण रूप बताइए या फुल फॉर्म बताइए। तो आपके नीचे चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए, जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वह अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये आपके UPI का पूर्ण रूप होता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर, यहाँ एक क्वेश्चन और भी पूछ सकता है UPI किसके द्वारा विकसित किया गया, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए UPI पेमेंट इंटरफेस किसके द्वारा विकसित किया गया था। तो आप बताएंगे NPCI। अब यहाँ आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है NPCI का पूर्ण रूप क्या होता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका पूर्ण रूप होता है नेशनल
पेमेंट नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये आपके एनपीसीआई का पोर्ट ऑफ होता है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे, कौन सी तकनीक सुरक्षित संचार सुनिश्चित करने हेतु इंटरनेट बैंकिंग लेन देन के दौरान डेटा को इनक्रिप्ट करती है? ऑप्शन ए ब्लॉकचेन, ऑप्शन बी एचटीटीपीएस, ऑप्शन सी ब्लूटूथ, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए, जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वह अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें, और आप लोग इस क्लास के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें और अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर बना सकें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एचटीटीपीएस। अब यहाँ आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है एचटीटीपीएस का पूर्ण रूप क्या है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए एचटीटीपीएस का पूर्ण रूप क्या होता है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ये आपके HTTPS का पूर्ण रूप होता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे, KYC का पूरा नाम क्या है? आपको बताना है KYC का पूर्ण रूप क्या है। तो आपके नीचे चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नो योर कस्टमर। ये आपके KYC का पूर्ण रूप होता है, अपने ग्राहक को जानिए। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे, क्या इंटरनेट बैंकिंग का काम नहीं है? आपको इसमें से बताना है इसमें से कौन सा इंटरनेट बैंकिंग का काम नहीं है। तो आपके नीचे चार ऑप्शन दिए गए, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए, जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वह अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विड्रॉल कैश फॉर अकाउंट। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे, RTGS में टी का क्या मतलब है? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि RTGS में टी का क्या मतलब होता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वह अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टाइम। RTGS का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका पूर्ण रूप होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ये आपके RTGS का पूर्ण रूप होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। अब यहाँ आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है RTGS की शुरुआत कब हुई? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए RTGS की शुरुआत कब हुई थी। तो आप बताएंगे 2006 में, 2006 में RTGS की शुरुआत हुई थी। यहाँ क्वेश्चन और भी पूछ सकता है नेफ्ट NEFT, NEFT का पूर्ण रूप क्या होता है? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए NEFT का पूर्ण रूप क्या है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो इसका पूर्ण रूप होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ये आपके NEFT का पूर्ण रूप होता है। अब यहाँ ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है NEFT को कब लॉन्च किया गया? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए NEFT को कब लॉन्च किया गया था। तो आप बताएंगे 2005 में। अब आते हैं आपका अगले क्वेश्चन पे, ITZ कैश एक मोबाइल वैलेट है जो किस कंपनी द्वारा अधिकृत है? ऑप्शन ए SBI, ऑप्शन बी RBI, ऑप्शन सी PNB, ऑप्शन डी HDFC। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए, जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वह अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी RBI।
अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। बैंक द्वारा पर ब्याज लिया जाता है, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि बैंक आपसे ब्याज कब लेता है। ऑप्शन ए डिपॉजिट्स, ऑप्शन बी लोन, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नन। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वह अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लोन। जब आप बैंक से लोन लेते हैं तब आपसे बैंक ब्याज लेता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। मेस्ट्रो कार्ड में संख्याएं कितने अंक की होती हैं? आपको बताना है कि आपके जो मेस्ट्रो कार्ड होते हैं उसमें संख्याएं कितने अंक की होती हैं। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। ऑप्शन ए दिया है 22, ऑप्शन बी दिया है 14, ऑप्शन सी दिया है 20, ऑप्शन डी दिया 19। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 19। इसमें आपके जो होते हैं 16 से 19 होते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। पैन का फुल फॉर्म क्या है? आपको बताना है पैन का पूर्ण रूप क्या है। तो आपके नीचे चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वह अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए परमानेंट अकाउंट नंबर। ये आपके होते हैं पैन का पूर्ण रूप। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। भारत में पहला एटीएम स्थापित किया गया था। आपको बताना है कि भारत में पहला एटीएम कब स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए 1985, ऑप्शन बी 1990, ऑप्शन सी 1987, ऑप्शन सी 1980, ऑप्शन डी 1987। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वह अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। और आप लोग इस क्लास के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सके। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1987। किसके द्वारा किया गया था? तो HSBC, इसका पूर्ण रूप होता है हांग कांग शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। बैंकों में चेक और ड्राफ्ट में निम्नलिखित का उपयोग किया जाता है। आपको बताना है बैंकों में जो चेक होते हैं ड्राफ्ट के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए बारकोड, ऑप्शन बी OMR, ऑप्शन सी MICR, ऑप्शन डी नन। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वह अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी MICR। अब आपको MICR का पूर्ण रूप कमेंट बॉक्स में बताना है। जिसको भी पता होगा वह अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करेंगे। MICR का पूर्ण रूप क्या होता है, ये क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। ABRS का पूरा नाम क्या है? आपको बताना है ABRS का पूरा नाम क्या है। तो आपके नीचे चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वह अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आधार बेस्ड रिमिटेंस सर्विस। ये आपके ARBS का पूर्ण रूप होता है ABRS का। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। पैन में कितने अल्फा न्यूमेरिक अंक होते हैं? आपको बताना है कि जो आपके पैन कार्ड होते हैं उसमें जो कितने अल्फा न्यूमेरिक अंक होते हैं। ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 16। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वह अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 10। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। डिजिटल वैलेट क्या है? आपको बताना है कि आपके जो डिजिटल वैलेट होते हैं वो क्या हैं। तो आपके नीचे चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वह अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ए वर्चुअल वैलेट यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन। ये आपका होता है ई वैलेट का मतलब। अब आते हैं आपका अगले क्वेश्चन पे। SGML का मतलब है, आपको बताना है SGML का क्या मतलब है। तो आपके नीचे चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए।
जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें, और आप लोग इस क्लास के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आई होप आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आज की क्लास में आपको जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आज की क्लास में आपको किसी भी क्वेश्चन पे कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें और अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर बना सकें। आपको अपने क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि हमारे यूट्यूब चैनल के नाम से है वहाँ से ज्वाइन होकर अपने क्लास की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 0800 से भी संपर्क करके अपने क्लास की पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में।